हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम के जो एप्लीकेशन थे उसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक के हमने वर्क एनर्जी थ्योरम ये देखा था कि इनिशियल उसका मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगा वही इसका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता था? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी चीज़ अगर हम उसके कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो इनिशियल पोजीशन पर क्या था और फाइनल पोजीशन पर क्या था, तो उस सब में हमने पिछले क्लासेस में ये सब बातें समझा था। आइए उसी का और आगे एप्लीकेशन करते हैं। अब इसमें कुछ मोमेंटम वगैरह का भी एंट्री हो जाए, ऐसा मैंने बताया तो नहीं है आपको कि मोमेंटम क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है। कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ मतलब किसी भी कोई कांस्टेंट चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे x इक्वल टू मैं c बोलूं तो इसका dx बाई dt अगर कहूंगा तो क्या होगा? तुरंत बोलेंगे ना जीरो, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो वैसे ही अगर p मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो इनिशियल और फाइनल इस तरह का कुछ बात होगा। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं? p इज कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट वही होता है ना कि जब आइदर इनिशियल हो या फाइनल हो वो किसी भी पोजीशन पर एक जैसा रहेगा। तो इसका पी कांस्टेंट है तो डीपी बाई डीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? शून्य। अगर ये शून्य हो रहा है तो इसका मतलब, और डीपी बाई डीटी क्या होता था? न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें जानते थे ना फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए ये आपको कंडीशन चाहिए होगा, ठीक है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए ये चीज़ आपको चाहिए होगा। थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया जाए पेन का। हाँ, अब सही है। ओके, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। जैसे कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 9.8 kg विद ए स्मॉल डिस्क ऑफ द मास 0.2 kg इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं आपके लिए ऐसा बना देता हूँ कि कुछ इस तरह का है। इस तरह का है, 0.2 केजी का एक ब्लॉक है और ये वाला अपने आप में स्लाइडिंग है, ये चीज फ्रिक्शनलेस है। तो और इसका मास है कुछ कैपिटल एम इज इक्वल टू 9.8 केजी, ठीक है बच्चों? कह रहा है कि डिस्क कैन मूव द फ्रीली अलोंग द स्मूथ ग्रुप ऑफ द एबीसी। यहां पर कुछ मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है और यहां पर कुछ डी पॉइंट होगा। सो टू वॉट हाइट द रिलेटिव टू द इनिशियल पोजिशन विद द डिस्क रेज आफ्टर द स्प्रेडिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास एम विथ इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 5 meter per second। ये जो स्मॉल ब्लॉक है 5 meter per second से इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब इसको समझने से पहले आप ऐसे सोचिए, कोई ऐसा एक फ्रिक्शन एक सर्फेस आप ढूंढ सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट फ्रिक्शन तो कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये टाइल्स वगैरह जो लगे हुए बहुत चिकने हैं, बहुत मतलब कि स्मूथ हैं, तो अगर आप इस पे दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको गिरने को मिलेगा। और थोड़ा स्मूथ लाए, आप कहेंगे आप कहाँ से स्मूथ लाएं? तो आप ऐसा करिए कि एक बोट पर जाके बैठ जाइए जो पानी के ऊपर है। जनरली बोट वही उसी के रेफरेंस में बोला जा रहा है, तो पानी के ऊपर है और उस पर आप मूव करने की चलने की कोशिश करिए। जब आप बोट पर चलेंगे, अगर बोट स्टैंड स्टिल है, मान लो चुपचाप आप बैठे हो यहाँ पे बोट पर किसी पे, और फिर आप उस पर बोट पर वॉक करिए, तो जब आप जैसे ही वॉक करेंगे तो उसमें क्या होगा? बोट में भी हलचल होगा, आप इमेजिन करिएगा कभी। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है बच्चों, कि मान लो कि ये बड़ा सा बोट है और ये 0.2 केजी का जब ये मूव करेगा तो उसके चलते क्या होगा? ये सिस्टम भी पूरा मूव करेगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें भी मूवमेंट आ जाएगा। ये वाला जो 9.8 केजी है और 0.2 केजी वाला, दोनों के साथ साथ कुछ मूवमेंट उसमें आएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो इसका इनिशियल है, किसका? ये 0.2 केजी वाले का, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा से मतलब है कि 1/2 0.2 इंटू 5a² इसके पास एनर्जी है। अब उसके पास क्या करना है कि अब जो मूव किया तो इसके चलते दोनों मूव किए, तो उसकी कहानी तो मैं उसको बताऊंगा। तो जब दोनों मूव करेंगे तो किस वेलोसिटी से जाएंगे? इस तरह से कुछ वी डैश कह लीजिए, इस वेलोसिटी से जाएगा। तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 0.2 केजी ब्लॉक इज डिसिपेटेड इनटू द आफ्टर सम टाइम 0.2 एंड 9.8 इटसेल्फ टुगेदर। ये दोनों कुछ ना कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में करेंगे, एक बात। दूसरा,
कि जब 0.2 केजी का जो काइनेटिक एनर्जी है इज स्लोली 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 इंक्रीजिंग इनटू द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो धीरे 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 इसका पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनका इनिशियल है, अच्छा इसका बोट का या मतलब कि इनकी अगर बात करें, अगर रेफरेंस लाइन आपको फिर यहां पर बताना पड़ेगा कि आवर रेफरेंस लाइन इज हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज शून्य। तो बोट इसका जो मास का इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो एज्यूम करेंगे। तो कुल मिलाकर जो इनिशियल पॉइंट पर है तो ये तो यही है, और फाइनल पॉइंट पर आपको दो एनर्जी से एनकाउंटर करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम आफ्टर मिस होल सिस्टम मतलब एम और स्मॉल एम का, और एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फाइनली, और तो कोई एनर्जी नहीं है। तो इनका इनका एक कंजर्वेशन होगा, एक काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो फाइनल के इक्वल होंगे ये इन दोनों से। तो उसी में हमें कुछ ये अब रेज करेगा, तो मान लीजिए कि एच हाइट अगर रेज करता है यहाँ से ऐसा, तो वो चीज़ हमें निकालना है बच्चों। ये बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो आइए काम पे लग जाते हैं। अच्छा, सबसे जो इसमें जो चैलेंजिंग जो टास्क है ये वी डैस, ये वी डैस आपको निकालना है। इतना भी नहीं चैलेंजिंग है कि इसकी मतलब कि हमें कोई चैलेंज मतलब, ठीक है कि अभी यह नया है तो आपको मुझे बताने के लिए कि इस तरह कहाँ से आया, क्यों बता, अभी कहाँ से मोमेंटम तो बताया नहीं, लेकिन अब इनर्जी का था तो अब मोमेंटम वाले में तो खूब ऐसा देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसका वेलोसिटी कैसे होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में हर एक साल को छोड़कर या कभी कभी लगभग लगभग हर साल मिलता ही है, एक साल छोड़कर या कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, तो IIT ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो अब इसका जरा वेलोसिटी निकाल लिया जाए। देखो क्या था कि ये दोनों इस तरह से थे, ऐसा कुछ यही था ना, ये 9.8 केजी का था और ये 0.2 केजी का था। तो मैंने जैसे बोला कि ये मूव कर रहा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? एक्सटर्नल नेट फोर्स इस जीरो होगा, तभी मोमेंटम हम कंजर्व कर पाएंगे। तो 0.2 केजी का ये है प्लस 9.2 केजी का ऐसा, इसको सिंगल सिस्टम में ले लें तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों? मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। मोशन में तो 0.2 केजी वाला ही है और इसका वेलोसिटी कितना है? 5 इज इक्वल टू इन दोनों का मास 0.2 प्लस 9.8 इज टू वी, ऐसा होगा जो वी डैस वहां पर बोला था हमें ये निकालना है। तो 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? इज 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से भी कह रहा है 1, तो वी डैस का वैल्यू कितना आ गया? इज 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा। तो वहां पर उसका वैल्यू पुट कर दिया जाए, इसमें जब मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल ऑफ द कंबाइंड सिस्टम और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू इसका मास कुछ गिवन था 0.2 था, इंटू वेलोसिटी 5 का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, उसमें 0.2 प्लस 9.8 इंटू इन दोनों का भी 1 स्क्वायर आया था अभी अभी हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो एम जी एच 0.2 जी 10 और एच का वैल्यू ही तो निकालना था अभी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये जीरो यहाँ से 0.1 हो जाएगा और 25 का इन 25 इंटू अगर 0.1 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ये लोग तो 1 हो गए हैं, ठीक है, तो 1 हो गया है तो और इसका वैल्यू 0.5। इसका कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन जो निकालने के लिए वेलोसिटी, क्योंकि इसका 0.05 आता है, यहाँ से अगर हम कर रहे हैं 0.2 केजी का ब्लॉक है और 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 हुआ और यहाँ से 1 है, ठीक है आने दीजिए। अब अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से तो हम लोग ठीक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड इज गिव टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 0.1 करेंगे और 9.8 यहाँ पर है, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 0.5 आ जाएगा और यहाँ से आप करेंगे तो 2 मिल गया इंटू एच, तो ये जब इधर से 0.5 कैंसिल होगा तो एच का वैल्यू इक्वल टू
कि 2.5 माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 1 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन कि अगर 9.8 केजी का था और इस पर अगर रोल डाउन कर रहा होगा तो इसमें आपने सीखा क्या, सीखने के लिए आपके पास क्या था। सीखने के लिए दो चीज़ें, एक तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा हमने कंजर्व करा ही रहे वो तो होगा ही होगा, दूसरा कि हमें वेलोसिटी निकालना था उसका। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक नया चीज़ सीखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, तो ये इसमें आया बच्चों। ठीक है, ऐसा हम कोलिजन में और देखेंगे समझेंगे, अभी यहाँ पर है तो इसको देख लिया। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको सोचने वाला मेन काम ये था यहाँ पर, थिंकिंग प्रोसेस जो पहले हमने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, या अपना स्क्रीन शॉट जैसे भी लेना है ले सकते हैं। दूसरा ये ले लीजिए। अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रखिए, अ बॉल अंडर द ग्रेविटी ऑफ द हाइट 10 मीटर विद इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी यू, इट कोलाइड विद द ग्राउंड लेस 50%, लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन एंड देन रेज बैक टू द सेम हाइट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू। ए आई आई टी में आ चुका हुआ है एडवांस में, कह रहा है कि किसी भी हाइट पर जब होगा, मतलब मान लीजिए कि फ्री फॉल से कहीं से या कहीं से कुछ गिर रहा होगा, तो उस पर 10 मीटर के हाइट पर, तो किसी ने नोटिस किया कि उसका, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लगाकर अंतर्यामी था, उसने पता कर लिया कि ठीक है उसका स्पीड है यू, या कुछ तो स्पीड रहा ही होगा, अंतर्यामी नहीं है तो पता करना चाह रहा है। तो जैसे यहाँ से आ रहा होगा, और ऐसा मान लीजिए एट अ मोमेंट जब यहाँ पर होगा इस 10 मीटर, और उस समय इसका स्पीड है यू, फॉल डाउन कर रहा है, लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है कि खास बात कि रिबाउंड कर, यहाँ पर जब हिट कर रहा है, रिबाउंड करने के बाद फिर से वापस उसी हाइट पर आ जा रहा है, तो ये आश्चर्यजनक बात था। जनरली क्या होता है कि आप बॉल को कभी भी छोड़ना, बॉल छोड़े और नीचे आया और फिर कभी भी उस हाइट पे नहीं आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर है या कुछ ना कुछ एनर्जी चला जा रहा है, यहाँ पर तो 50% चला ही जा रहा है, तो हमारा दिमाग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब तो जितना हमने फिजिक्स पढ़ा है उसमें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा हुआ है, तो इसी में हमें टकराहट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उलझ के रह जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन को मानना है, जो आपको आता है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो देखिए कि यहाँ से 10 मीटर है और इसका स्पीड यू है, तो यहाँ पर तो दो बातें हैं इसके पास, जब इनिशियल पोजिशन है और आफ्टर द टकराने के बाद यहाँ से इसमें यू कुछ सेम हाइट पे जा रहा है, लेकिन खास बात क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर जब टकरा रहा है तो इसका 50% एनर्जी ही बच रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि 50% एनर्जी इज लॉस, तो अब बचा कितना, उसका 50%। तो देखा जाए कि इनिशियल पोजिशन या फर्स्ट पोजिशन उसको कह देते हैं, इस पोजिशन को, कि उस समय कितना एनर्जी है, 1/2 m × u² काइनेटिक एनर्जी तो यही है, पोटेंशियल कितना है भाई, एम जी और 10 मीटर, तो यहाँ से लिख लेते हैं एम जी इंटू 10, ये तो इनिशियल है। जब यहाँ से जब ये मतलब वो एनर्जी लेकर आया और यहाँ पर जब लॉस हुआ, तो जब इस पॉइंट से जब रेज कर रहा है तो मैक्सिमम उसने क्या बोला, जस्ट रेज टू या रेज बैक टू द सेम हाइट, रेज बैक टू द सेम हाइट जब आ रहा है तो उस समय कितना एनर्जी इसके पास लेकर आ रहा है, 1/2, क्योंकि जितना भी एनर्जी होगा यहाँ वाला इनिशियल से, मतलब टकराने से पहले वाला, इतना एनर्जी होगा, अगर 2 को अभी हटा दे तो इतना तो होगा, लेकिन जब यहाँ पर जैसे ही आया तो तब भी उतना ही एनर्जी होगा, लेकिन अब कितना हो गया, ये 50% इतना। अब इसको जब रेज बैक कर रहा है तो सेम हाइट पर पहुँच रहा है, तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, ऐसा। तो जब h का मतलब कि वही 10 मीटर ही है, चाहो तो आप 10 मीटर लिख लीजिए यहाँ से ऐसा, तो यहाँ से कितना हो गया, 1/4 m × u² + 5 mg = 10 mg, ऐसा। तो ये इधर गया, 1 m से m को तो हटा ही लीजिए, तो ये कितना हो गया, u² / 4 = 5 g, तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 20 g, तो u का वैल्यू कितना जाएगा, √20 g, तो 200, तो 10√2 m/s इतना आया। ठीक है, तो इसमें आपको यही दिमाग लगाना था कि इसका जितना भी एनर्जी आया जब यहाँ से आए
तो इसका 50% लॉस हो जा रहा है, तो 50% लॉस होने के बाद वापस कितना रेस बैक कर रहा है, इज द mg 10, और कोई एनर्जी उसके पास, मतलब कि फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी सुन रहा होगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ब्लैंक है। देखिए इसका सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ 1 मीटर हैज द वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, इट इज स्ट्रक बाय ए बुलेट ऑफ मास 10^-2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2×10^2 m/s। ठीक है, ये ऐसा कुछ बोला है, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में काउंट होता है। यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इनर्जी का कुछ रोल है। ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ से एक बुलेट आया 10^-2 kg का, वो बुलेट है और स्पीड उसके पास है 200 m/s। वहाँ पर जो लिखा है ना 2×10^2 m/s, सो बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बॉब ऑब्टेन द हाइट ऑफ द सच, यहाँ से कुछ हाइट रेस कर रहा होगा। तो पेंडुलम वाला को याद है, वहाँ पर मैंने आपको थीटा वगैरह से कुछ ऐसा बताया था कि अगर एंगल थीटा होता है तो क्या होता है, तो थीटा वगैरह ये सब प्लेन है, यहाँ पर नहीं है। तो आ जाइए कितना हाइट किया, तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा बाद में सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। इनर्जी वाइज जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो तो सोच सकते हैं कि हुआ क्या क्या, कि अगर मान लीजिए कि कुछ अगर एम्बेडेड करता है तो इन दोनों के पास, मतलब कि इस बुलेट को रेड से दिखा देता हूँ और ये वाला तो आपका है ही, तो इन दोनों का कंबाइन मास m+M, उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट भी यहाँ पर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इसी को यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, बिल शून्य जीरो। तो अब इनिशियली अगर सोचिए तो आपके पास कौन कौन सा एनर्जी है, m+M मीन्स काइनेटिक एनर्जी है 1/2 और से v² होगा यहाँ पर इनिशियल और फाइनल। अब पूछा कि मैक्सिमम कितना जाएगा, यही बोला है ना कि द बुलेट गेट्स द एम्बेडेड इन टू द बॉब ऑब्टेन द हाइट एट विच द बॉब रेस बिफोर द स्विंग बैक, तो रेस स्विंग द बिफोर बैक, तो मतलब यहाँ तो मैक्सिमम गया होगा और फिर वापस आएगा, तो यहाँ पर जब मैक्सिमम गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितना हो गया, शून्य। दोनों सिस्टम का जितना भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें यही निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m+M × g × h, और इसी h के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो आ जाइए कुछ मिलेगा, तो सबसे पहले तो ये तो पहले मुहूर्त में चले गए, ठीक है। अब जहाँ तक h की बात है तो सिंपल v² / 2g, ऐसा तो क्योंकि सर ये तो पहले भी जानते थे थर्ड इक्वेशन लगाकर जानते थे, लेकिन जैसे ही और भी कुछ इसमें आएगा आपके दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है कि थर्ड इक्वेशन में तो आप ट्रेंड हो ही गए हैं, लेकिन अब इसमें इनर्जी वाइज से भी कि इनर्जी से हम सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो 200 m/s से था वो, तो अच्छा अब क्वेश्चन है कि इनका वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, ये तो तब का वेलोसिटी है ना जब इसका 200 m/s से था और जब गेट एम्बेडेड हुआ, तब उसके बाद इनका क्या वेलोसिटी होगा। तो हम किसके पास जाएंगे, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पास, अभी जो आप सीखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल और पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ऐसा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मास कितना है 10^-2, इनिशियल मोमेंटम केवल बुलेट के पास था × 200, फाइनली ये दोनों आपस में क्लब कर जा रहे हैं, तो इनका है कुछ 1 kg और इनका कितना मास है 10^-2, तो टोटल मास कितना हो गया बच्चों 10^-2 इज 0.01, तो टोटल मास इज 1.01 हो जाएगा इंटू वी, यही वाला चाहिए था। और यहाँ से देखिए इसका तब तक ये 2 0 को कैंसिल कर देगा, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1.01, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख लें 2/1.01। तो जैसा आप उसमें आप देख सकते हैं कि 0.1 है, लेकिन अब 2/1 अगर 1 होता तो कितना अच्छा होता, कि हाँ सर आप सही कर रहे हैं, लेकिन 1.01 है, तो क्या करें 1.99 ले लेते हैं, अब करके देखना उतना ही मिलेगा, या नियरली आप इस तरह का वेव वैसा दिखा दीजिए। अब मतलब कि अगर ऑप्शन बहुत एक्यूरेट नहीं हो, मतलब
बहुत पास पास नहीं हो तब तो आप इस तरह का कमाल कर सकते हैं। तो टू ए स्क्वायर होगा उसका वैल्यू अपॉन ये जो नो आप किससे जा रहे होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे होंगे है ना, वहाँ से तो वही आ रहा है 2 × 10⁻¹. ठीक है, और यहाँ से 2 जी का वैल्यू 10, तो एक 2 से 2 तो चला गया तो क्या बचा 2/10 मतलब 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर रेज करेगा अगर सेंटीमीटर में आंसर है तो। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आपको कि ये इनर्जी प्लस मोमेंटम वाला लिख लीजिए। हाँ ये देखिए आज के दूसरा मतलब कि नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन होगा, ये नंबर 2 है। कह रहा कि 3 kg ऑफ ब्लॉक एज शोन इन अ फिगर 6.2 हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट ए एंड 6 मीटर पर सेकेंड एट बी। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी एट द कर्व इज 12 मीटर, हाउ लार्ज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट, एज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन हाउ फार बी विल इट स्टॉप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए पर ये 4 मीटर ऑलरेडी है और यहाँ पर ये 1 मीटर है, यही दो बातें हो रहा है ना, और स्पीड इनका 2 मीटर पर सेकेंड है और इनका 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके अलावा वो जो बोल रखा है कि फ्रिक्शनल ए है, मतलब कि इतना ए स्मूथ नहीं है, कुछ इसका म्यू का वैल्यू है, म्यू इज नॉन जीरो है। तो करे कि इसमें करने में कितना हमें वर्क करना पड़ा होगा या कितना हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ा होगा अगर 12 मीटर चल रहा है तो। तो देखिए बच्चे, ये आपको जैसा बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए होल्ड करता है, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, उस पर भी आएंगे। आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि एक ऐसा काम कि जो हम उस पर वर्क करें उस फोर्स के चलते तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाए, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं उसका कंजर्वेटिव नेचर का। जैसे कि आपको ग्रेविटी वाला देखा था तो ग्रेविटी पे हमने वर्क किया तो उसमें MgH के टर्म में हो गया। ऐसा ही अगर हम स्प्रिंग में भी आज देखेंगे कि वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो उसमें कंजर्व हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी में। ये सब बातें एक दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है क्योंकि इसका राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 होगा। तो कभी भी फ्रिक्शन फोर्स के चलते पोटेंशियल एनर्जी आप गेन नहीं कर सकते। ठीक है, या जो मैं ऐसे अगर और जनरलाइज कर दूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसा आप ऑप्शन में ताना बाना बुनाया जा सकता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो खैर, अब लगाना तो यहाँ पर है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमने बताया था आपको कि यूज़ कर सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव को, लेकिन हमें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए कि इसका अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल देखें प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखें इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखें प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखें ऐसा। लेकिन इसमें ये केलो चाहे कि वॉट एवर द योर मैकेनिकल एनर्जी सम इज द गोइंग टू बी द डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी गोइंग टू डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाई द फ्रिक्शन, तो यहां पर उसको भी मेंशन करना पड़ेगा WF। ये चीज ये समझ में आया कि जो इनिशियल था फाइनल उसके होगा। अगर आप कैलकुलेट भी अभी करके देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इतना, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ये फ्रिक्शन खा गया है। मैं आपको चलिए दिखा ही देता हूं, जैसे उसको बाद में तो कंसिडर करेंगे 1/2 m मास उसका, अच्छा जरूरत नहीं है कैंसिल हो जाएंगे, जरूरत है 3 kg क्योंकि फ्रिक्शन वाले के लिए। अच्छा आपको तो अभी प्रूफ करके हमें दिखाना है ना, तो m और इसका वेलोसिटी 2a² है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा mg × 4 फाइनल वाला 1/2 m × 6a² प्लस mg × 1, तो m कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ से 2 × 4 / 2, तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 40 हो गया, तो 42 हो गया, और यहाँ से 36/2 कितना हो गया 18, और यहाँ से 10,
तो देखिए यहाँ पर इधर कितना आ रहा है 42 और यहाँ पर कितना आ रहा है 28, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब कि ये 42 वाला है तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, 28 ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ये फ्रिक्शन के पास गया है, फ्रिक्शन वहां पर कंज्यूम किया है, तभी वो आपस में इक्वल हो पाएगा। तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स के आने के, और फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर, दैट इज वाई। तो इसको याद रखिएगा। अब दूसरे तरीके से समझिए, ये तो आपको समझाया ही कि काइनेटिक एनर्जी जितना भी इनिशियल था ये उसमें तो जा ही रहा था, फ्रिक्शन सिंस प्रेजेंट है तो हमको उसको भी अकाउंट में रखना पड़ेगा, ये चीज आपको इसमें बताया गया, ठीक है। तो अब आ जाइए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। हमें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, और उसका अभी देख रहे हैं कैसा है, वो इंक्लाइंडेड है या कुछ कर्व पाथ में है, तो हम तो ऐसे भी नहीं बता सकते इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो क्यों ना एफ को पूरा ही बोल दें, और इसका डिस्टेंस हमें कितना बोल रखा है, 12 मीटर, ये देखिए 12 मीटर है। तो वहाँ पर टोटल वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स इज 12 F, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व आइए कर ले यहाँ से, तो इसका कितना हो गया 42 इक्वल टू 28 प्लस 12 F। 12 F समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वर्क डन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 42 माइनस 28 इस कितना हो गया 14, तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें देख रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन वगैरह का तो नहीं है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड था, 1/2 m, और हाइट उसका 4 मीटर ही है, और यहाँ से हाइट इसका 1 मीटर है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, और एम जी एच तो 4 इस 40 हो गया, क्योंकि मास का कोई रोल था नहीं। और अच्छा, तो जब यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते समय बच्चों एक गलती होगा, क्या होगा कि इसमें खैर वो तो आपको दिखाना ही था, तो मुझे फिर से अप्लाई करके दिखा देना चाहिए था, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैंने मास कट किया और इसको कंसिडर किया तो यहाँ भी तो बाई एम आएगा ना, जो कि इसको नहीं लिया। तो खैर आपको जो आपको कन्विंस मुझे करना था कि काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं थे, अब इसके लिए आपको अलग से लगा के देख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वहाँ पर 12 F है, तो लेकिन ये जब एम से डिवाइड कर रहे थे तो रह गया था ना कैलकुलेशन में, तो इसीलिए वो कैलकुलेशन एरर है। अब आ जाइए, मतलब पूरा पूरा फुल्ली आपको समझा देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है प्लस इसके साथ वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब देखिए कि इसका मास कितना था, 3 kg है। अच्छा चलिए सम्मान दे देते हैं इनको, 3 × इनिशियल 2S था यहाँ पर इस तरह का, 2 मीटर पर सेकेंड था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन एस सी वर्मा के बुक में भी देख सकते हैं, तो यहाँ से एक बार क्लियर हो जाएगा तो जाकर उसको भी जाकर क्लियर कर लीजिएगा या क्लियर कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर आप वेट करिए, मैं तो उसका बताऊँगा ही सारा नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसका सॉल्यूशन जितने भी होंगे सारा उसका नॉट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सारा एक्सप्लेन करूँगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको अवेलेबल है, कहीं भी जाइए सर्च करिए सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, लेकिन किस वे में आपको समझाया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने सीखा क्या, मतलब सीखने के बाद क्यों ऐसा तो नहीं है खाली सॉल्यूशन आपको मिला और आप मशीन की तरह काम कर रहे हैं, कि जो आपने आपको एक्सप्लेन किया गया तो आप मतलब एक मतलब 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया गया तो उससे आप ये रखते हैं कि हाँ 100 क्वेश्चन मैं आगे कर सकता हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। खैर 1/2 + 1/2 × 3 × 2 A² पोटेंशियल एनर्जी उसका कितने हाइट पर था, 6 मीटर 4 मीटर और बाद में 1 मीटर और 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है। तो यहाँ से MGH तो 3 × 10 × 4 मीटर ना, हाँ 4 मीटर, और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2, मास इज 3 kg एंड 6 A² प्लस MGH 1 मीटर और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन F × 12 मीटर उसमें चला ही हुआ है।
अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो यहाँ से 2 से 2 तो एक चला गया, तो ये कितना बच गया बच्चों, 3 इंटू 2 6, और ये कितने हो गए 30 इंटू 4 120, यहाँ से 18 3 या 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 12 एफ, तो 126 माइनस 84 इज इक्वल टू 12 एफ। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 16 प्लस 26 कितना हो जाएंगे 36, 42 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से इस 42/12, तो 12 थ्री जा बताइए तो 36 और 6 बचेगा 3.5 न्यूटन। जी का वैल्यू कुछ लेंगे उल्टा पुल्टा, मतलब 9.8, तो इस तरह का कुछ बनेगा, तो उसने बोला नहीं है तो मैंने 10 ले लिया था। तो ये तो आ गया बच्चों इस फर्स्ट पार्ट का आंसर कि अज्यूम द सम, फिर करा कि हाउ लार्ज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो कहेंगे 3.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि एज्यूम द सेम फ्रिक्शन हाउ फार द बी विल स्टॉप, अब यहां से जब वो चलेगा तब जाके कहां रुकेगा कितने पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें पता चल गया, इस पर डी निकालना है इसका दूसरा काम इस पार्ट से यहां से, तब इसके लिए इनिशियल हो जाएगा और फाइनल यहां पर होगा। तो अब तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें क्या बोल रहा है कि फाइनली स्टॉप, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी शून्य, और जब वो नीचे तो उतरेगा, तो नीचे उतरेगा तो उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य। तो सबका जितना जितना इस यहाँ का एनर्जी है वो सब कौन खा रहा होगा, इस दिस फ्रिक्शनल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो हाफ एम बी ए स्क्वायर है, तो इनिशियल एनर्जी 28 वाला जो है ना, ये वाला फ्रिक्शन वाले में कन्वर्ट हो रहा होगा, यही होगा। मतलब देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उसका इस हिप से ऐसा जा रहा होगा, मतलब कुछ 1 मीटर के हाइट पर है, और यहाँ पर स्पीड इसका 6 मीटर पर सेकेंड है, तो कह रहा कितना दूर जाने के बाद यहाँ पर जाके रुक जाएगा। तो आइए उनको बता दिया जाए, कहेंगे इनिशियल बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो कहेंगे 1/2 इंटू मास है उसका 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस इसका मास एम जी एच, तो 3 इंटू जी का वैल्यू 10 और एच इज 130, और सारा का सारा फ्रिक्शनल फोर्स मतलब वर्क डन बाई द फ्रिक्शन ही होगा इंटू डी। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो गए 36, 80, 54 और ये हो गए 30, तो 84 न्यूटन। तो फिर कैसे 28 आ रहा था, हाँ एच 84 ही आ रहा था, यही है ठीक है 84, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा 3.5 था इंटू डी। तो जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 84 और 3.5 का मतलब कितना हो जाता है बच्चों 7/2 इंटू डी, तो 12 7 जा हो गया, तो D का वैल्यू 24 मीटर। तो 24 मीटर वो चलने के बाद वो ब्लॉक आपका रुक जाएगा, ये चीज 6 मीटर पर सेकंड से ऐसे गया और 24 मीटर वो चल रहा होगा, तो उसके बाद वो स्टॉप डाउन कर जाएगा ठीक। तो ये बात समझ में आया होगा आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझने के लिए काफी अच्छा है। कह रहे कि डिस्क ऑफ मास 50 ग्राम इज स्लाइड विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन सेट एन द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ऐसा हैविंग अ ट्रांसवर्स द डिस्टेंस 50 मीटर अलॉन्ग द हॉरिजेंटल प्लेन। तो सबसे पहले तो एक शेप में आकर इनको कह लें, ये ऐसा है, और उसके बाद ऐसा कहीं जा रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ब्लॉक है यहां से जस्ट रिलीज हो रहा है, कितना मास है उनका 50 ग्राम, का है ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे ऐसे चला गया है। तो इधर कह रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर चल रहा है, अच्छा 50 सेंटीमीटर है, तो 0.5 मीटर कह लीजिए ऐसा, और हैविंग अ ट्रांसवर्स द ठीक अलोंग द हॉरिजेंटल प्लेन द डिस्क स्टॉप फाइंड द वर्क परफॉर्म द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द होल सिस्टम।
तो इसमें क्या बोला बच्चे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो 30 डिग्री के लिए है, तो कुछ तो डिस्टेंस चला होगा, डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस लेकर आना पड़ेगा, तब तो बताएंगे कि वर्क डन बाई द फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ। तो देखिए हुआ क्या होगा कि ये नीचे आ रहा होगा, जीरो स्पीड है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका इनिशियल कितना होगा, शून्य, और जाकर यहाँ पे कहीं रुका हुआ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसका फाइनल कितना हो गया, शून्य। तो काइनेटिक एनर्जी का तो कहीं रोल नहीं है, क्योंकि इनिशियल जीरो और फाइनल जीरो, यही बोला ना कि वहाँ पर इनिशियल जीरो वेलोसिटी से जा रहा है और जहाँ पर 0.50 सेंटीमीटर का ट्रैवल कर रहा है तो जाकर स्टॉप हो जा रहा है। तो एक बात हुआ, तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंड डिस्क स्टॉप द फाइंड अ वर्क परफॉर्म। तो अब देखते हैं कि जीरो स्पीड तो है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक मान लीजिए कि एल डिस्टेंस अगर चल रहा होगा तो कुछ तो उसका वर्क हुआ होगा, या मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रहा होगा एम जी साइन थीटा इसमें कर रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, तो आप वर्क से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो डिस्टेंस कितना करेगा, यहाँ से एल साइन 30 ये नीचे इसकी तरफ आएगा, तो आप वर्क वाले से जाइए, नहीं तो एनर्जी वाले से भी आप वहाँ से देख सकते हैं, या एनर्जी वर्क वाले में आप इस पे को लगा सकते हैं एम जी साइन थीटा इंटू एल, मतलब वही है पोटेंशियल एनर्जी ये कितना देगा, इस एम जी साइन थीटा एल, तो ये एम जी साइन थीटा इंटू एल ऐसा इक्वल टू ये जितना भी एनर्जी अभी रिलीज किया यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई द फ्रिक्शन इस फ्लोर पे भी और इस फ्लोर पे भी लगेगा, यही होगा ना, तो यहाँ का फ्रिक्शन अलग लगेगा, यहाँ का फ्रिक्शन अलग लगेगा, वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऐसा लिख देते हैं, और वर्क डन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द फ्लैट सरफेस या सिंपली सरफेस लिख देते हैं। ये दोनों चीज़ समझ में आया बच्चे कि क्या होगा कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज हुआ वो किस में गया, ये वर्क डन इन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनल वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड वर्क डन बाई द सरफेस वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस, ये दोनों का मिक्स उससे लगेगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से अगर इक्वेशन अगर हम लिखें तो एम जी साइन थीटा इंटू एल इक्वल टू वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स इन इंक्लाइन प्लेन, तो इसका कितना फोर्स लगेगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स यही होता है हम जानते हैं बचपन से सीख गए थे, बचपन से मतलब 2-3 या 10 लेक्चर पीछे जाकर देखेंगे तो बचपन वो आपका दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट mg होता है ना, और ये वाला कंपोनेंट mg sin cos थीटा होता था, ठीक है, तो म्यू mg cos थीटा मतलब म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो वही आ गया आपका, और यहाँ से कितना डिस्टेंस चला होगा, कुछ से l डिस्टेंस चला होगा, और जब सरफेस पे जब आया होगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा होगा, mg नीचे और म्यू इधर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं म्यू mg और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.5, क्योंकि 50 सेंटीमीटर जा रहा है तो 0.5, तो यहाँ पर उसके लिए रख लिया, ये दिखाई पड़ा बच्चों आपको म्यू एम जी, ये वाला सरफेस पे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे क्या लगेगा, म्यू एम जी, वो दिख नहीं रहा है, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि 0.5 ये डिस्टेंस है, इसी को पहले लिख दिया, और म्यू इंटू एम जी, एम जी थोड़ा सा गया है लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा कि म्यू इंटू एम जी है, अगले इक्वेशन में इसको ले लेंगे। तो ये बात समझ में आया बच्चों यहाँ से कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हो रहा था एम जी साइन थीटा इंटू एल, जो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द कौन मिल बांट के खा गया, फ्रिक्शन फोर्स, एक इंक्लाइन वाला खा गया फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा है सरफेस वाला, तो जितना ही पोटेंशियल एनर्जी मिला था उस पर हो गया। तो इसमें हमें फायदा क्या होगा कि हमारा एल निकल कर आ जाएगा, जो एल मिसिंग है ना, पूछा था ना कि वर्क डन टू द पूरे सरफेस पे कितना लगेगा, तो हमसे एल का कितना फ्रिक्शनल फोर्स के चलते वर्क डन हो रहा है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसको रख लें, तो आइए कैलकुलेशन पे लग जाते हैं, मास कितना है उन लोग का, अच्छा मास तो सेम ही चीज का है, तो इसको हाई बाय करके बाय कर लें, तो क्या बचा है हमारे पास, जी साइन थीटा इंटू एल और यहाँ से म्यू जी कॉस थीटा, तो आइए अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, जी साइन थीटा इंटू एल इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल, ये चीज, और प्लस यहाँ से म्यू एम जी, अच्छा एम का नाम क्यों ले रहे हैं, एम तो हाई बाय करके गया है, म्यू जी
इंटू 0.5 क्योंकि 50 सेंटीमीटर चला था। तो यहाँ से जब L का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू जी इंटू 0.5 अपॉन, अच्छा ये जी क्यों मेला में घूम रहा है, इस जी को भी तो हटा दीजिए, इस जी को, और ये नहीं हट रहे हैं तो इनको यहां से हटा दीजिए, तो यहां से आ जाइए, म्यू ही बचा और इंटू 0.5 बचा केवल, और यहां क्या बचा बच्चों, साइन थीटा, ये जब इधर आए होंगे तो साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिए होंगे, तो सिंपल अलजेब्रा है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ बचा फाइनली, ठीक है। तो L का वैल्यू हमारा म्यू का वैल्यू 0.15 क्वेश्चन में गिवन है, इस 0.15, तो यहाँ से 0.15 इंटू 0.5 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू 1/2 इस 0.15 और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कॉस 30। तो पहले मुहूर्त में तो इसको दो दो को ऊपर भेज दीजिए, 0.5 है जो लग रहा है, तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 0.15, और बाकी का ये सब आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटिंग स्किल आपको दिखाना पड़ेगा 0.15 इंटू √3, तो इसको कुछ कैलकुलेट करने पे 0.75 आता है, तो 0.15 अपॉन 0.75, तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो 1/15 या 75 होता है, तो फाइनली आपको पता चलेगा कि 0.2 मीटर चला होगा, L का जो वैल्यू है इस 0.2, तो ये चीज़ आया बच्चों 0.2 मीटर उधर चला। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द वर्क डन दिस थिंग, ओह सॉरी कहाँ गया, फाइंड द वर्क डन परफॉर्म बाई द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द होल डिस्टेंस एज्यूमिंग द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.15 फॉर बोथ इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल। तो अभी हमें जो वर्क डन निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसमें दो हैं, एक तो म्यू एम जी कॉस थीटा और लेंथ था तो अभी लेकर आए, और दूसरा म्यू इंटू एम जी फ्लैट सरफेस पे, उसका डिस्टेंस कितना था बच्चों 0.5, तो इसका वैल्यू देखना है, तो इसमें से कुछ कुछ कॉमन जो आ रहा है इसको ले लें कि डबल मेहनत ना करना पड़े। म्यू का वैल्यू 1.5, कॉस थीटा का वैल्यू इस √3/2 और लेंथ का वैल्यू 0.2, ये तो आया था, प्लस एम जी बाहर आ गए तो म्यू का वैल्यू इज अगेन 0.15 इंटू 0.5 ऐसा, तो एम जी का वैल्यू कितना था 3 kg 2 kg, एम जी का वैल्यू अच्छा 50 ग्राम, ये भी और कम है, तो 50 ग्राम है तो 0.05 हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 0.1 हो गया, तो 0.15 इंटू 1.73, तो 0.1.73 ऐसा हो जाएगा, और 15 × 5 = 75, तो 0.075, तो ये ऐसा कुछ आएगा बच्चों कैलकुलेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, तो करिएगा 0.5 और इनका, तो जितना भी आएगा इतना जूल आएगा, क्योंकि आपको मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखाना है, आपको मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, तो ये काम कर लीजिए बच्चों, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ये सीखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके लेंथ वगैरह जैसा भी चीज़ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना है तो मैं आपको ये स्लाइड दे देता हूँ, ये वाला जरूर चीज़ लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट है, बाकी का तो मेहनत है। वंस यू गेट द L देन यू विल एबल टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ 10 सेकंड के लिए, राइट डाउन करिए। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट लिख लीजिए।
फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में। इन फिगर कह रहा 3.13 ब्लॉक इज द स्लाइड अलोंग द ट्रैक फ्रॉम वन लेवल टू हायर लेवल बाय ए मूविंग थ्रू द इंटरमीडिएट वैली। द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस अंटिल द ब्लॉक रीचेस द हायर लेवल। देयर इज द फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप द ब्लॉक इन द डिस्टेंस डी। द ब्लॉक इज इनिशियली स्पीड इज वी इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है, इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और उनका हाइट है कुछ 1.1 मीटर। द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड हाइट डिफरेंस इज 1.1 मीटर। मतलब हाइट डिफरेंस इसलिए बता दिया कि आप पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम भी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाए तो आप एच है और फिर यहाँ से फिर फाइनली एच है तो हम क्यों ना इस चीज़ को, क्योंकि दो बार तो माइनस होना ही है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, रेफरेंस लाइन यहाँ पर ही ले लेते हैं। तो ये फ़ायदा है हमें रेफरेंस लाइन लेने का अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो कह रहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू यू इज 0.6 फाइंड द डी। तो ठीक है, और डी क्या बोला कि ब्लॉक इन अ डिस्टेंस डी। तो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 6 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, वही अगर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है तो 1/2 इंटू ब्लॉक का मास गिवन है, नहीं गिवन तो नहीं कैंसिल होंगे तो m इंटू 6 स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ तक तो स्मूथ था, फाइनली जाकर और रुका हुआ है तो हाफ m वी स्क्वायर हुआ। और ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले में m g 1.1 फाइनली जब ये कितने पे रेज कर रहा है, कुछ इस साइड पर जा रहा है ना h हाइट पर, तो इनिशियल एनर्जी इस पर देने वाला कौन है, काइनेटिक एनर्जी, और ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल में, और जो कुछ बचा उचा एनर्जी जो होगा वो इधर चलते चलते फ्रिक्शन उखा जाएगा, यही होगा ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा और वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, म्यू, नॉर्मल फोर्स तो कहेंगे फ्लैटन सरफेस हो गया, यहाँ पर जब आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो एम जी डाउनवर्ड हो गया और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग गया ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया म्यू इंटू एम जी। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू एम जी, तो म्यू एम जी यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं और कितना डिस्टेंस चला है वही निकालना है शायद हमें कि द फ्रिक्शनल स्टॉप द ब्लॉक इज डी, द ब्लॉक इनिशियल इतना, तो फाइंड देयर इज द फ्रिक्शनल फोर्स द ब्लॉक इनिशियल वी 6 डी। अरे फाइंड कहीं नहीं बोला है क्या, बाई द मूविंग द थ्रू द इंटरमीडिएट वैली द ट्रैक फ्रिक्शनलेस अंटिल द ब्लॉक रीचेस द हायर लेवल, देर इज द फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप द ब्लॉक डिस्टेंस डी, द ब्लॉक इनिशियल इज वी, द हाइट ऑफ द डिफरेंस इतना, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, फाइंड डी यहाँ पर है फाइंड डी, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे निकालना क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के चलते कितना वर्क डन होगा तो इतना होगा। तो मास इसीलिए नहीं दिया था कि इनको अपने घर जाना था, जल्दी जल्दी में थे। 6 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 36/2 इज 18, तो 18 हो गया, इसको अगर यहाँ से निकाल लें 18, और जी का वैल्यू आपका 1.1 × 10 तो 11 हो गया, और म्यू का वैल्यू है कोई 0.6 तो हो गया 6 डी। तो काफ़ी अच्छा सा कैलकुलेशन आ रहा है, डी इक्वल टू 11 - 18 इज 7/6 मीटर, 7/6 मीटर का मतलब कुछ 1.1 के आसपास होगा, और आगे भी करना है तो कर सकते हैं, 10 हुआ 4 और 6। ठीक है, आप इसको आगे की तरफ समझना, तो इसमें आपने ये चीज़ सीखा बच्चों कि क्या ये ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ ये देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्मॉल पार्टिकल इज स्लाइड अलॉन्ग द ट्रैक विद द एलिवेटेड एंड एट द फ्लैट एंड सेंटर सेंट्रल पार्ट एज सोन इन अ फिगर, द फ्लैट पार्ट हैज द लेंथ 3 मीटर। ठीक, द कर्व पोजिशन पोर्सन ऑफ द ट्रैक ऑफ द फ्रिक्शनलेस बट फॉर द फ्लैट पार्ट ऑफ द कोफिशियंट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इज 0.2। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रफ है और ये जो कर्व वाला जो पार्ट है इस तरह का, ये फ्रिक्शनलेस है। तो अब देखिए, द पार्टिकल इज रिलीज एट पॉइंट ए विच इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एबव द फ्लैट सर्फ पार्ट, सो वेयर डज पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है, तो पहले हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर आया और
जब यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ पर कुछ जा रहा होगा, कहीं पर रुका होगा ऐसा, या ऐसा तो नहीं है कि पूरा यहाँ से ऐसे निकल गया, या फिर ऐसे आया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे आया, इस तरह का भी तो हो सकता है। मान लीजिए कि बस एनर्जी इसके पास ज़्यादा है तो कुछ चल के ऐसे निकल गया होगा। तो पहले उसको हम कैलकुलेट करते हैं दोनों को, कि समझते हैं कि हुआ क्या क्या। यहाँ से आप देखिए कि एम का वैल्यू अगर एच है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना है, मतलब यहाँ पर जब आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी इसका शून्य है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, मास इनका गिवन है, इज नहीं गिवन है कोई बात नहीं, फ्रिक्शनलेस, बट द फॉर द फ्लैट एंड इज द कोफिशिएंट दिस, ठीक है। तो चलो एम जी एस से ही काम चला लेते हैं। एम इंटू जी का वैल्यू हमारा 10 होता है और ये 0.3, ठीक। तो ये सारा का सारा उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा इसके पास अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें कितना मिल रहा है, 0.3 इंटू 10 तो 3 m, एक तरीके से ये मतलब इनिशियल वाला। और फाइनली जो उसमें हो रहा है कि फाइनली इसको रुकना है, तभी वो बोला ना कि फाइनली वो रुक रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ भी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं था। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्लैट एंड एंड वाला ही कर रहा है, तो उसका वैल्यू कितना है, म्यू एम जी, क्योंकि फ्लैट एंड एंड में ही लगेगा। अगर ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो नॉर्मल फोर्स ऊपर और एम जी नीचे की तरफ से, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो म्यू इंटू एम जी। और इसका डिस्टेंस कितना है, चल ही रहा होगा कुछ ना कुछ, वो तो डिस्टेंस ही तो पता करना है। तो डी का वैल्यू ऐसा निकल कर आ जाएगा, ये 0.3 मैंने क्यों लिया, द फ्लैटन पार्ट ऑफ द लेंथ इज 3 meter, ठीक है ठीक है। और एच का वैल्यू हमने, एच का वैल्यू 1.5 है ना, देखो अभी गड़बड़ हो जाता, एच का वैल्यू इज 1.5 है, लेकिन 3 point फिर हमने लिया कहाँ से, सॉरी 1.5, तो कितना आ गया बच्चों, इस 15 m, ऐसा 15 m आया। और यहां से म्यू एम जी डी, तो m से m को कट ही कर दो, देखते हैं कि d आया कितना। तो 15 और म्यू का वैल्यू हमारा है कुछ 0.2, और जी का वैल्यू हमारा हो गया 10, तो कितना हो गया 2 डी, मतलब 0.2 इंटू जी करेंगे तो 2 ही आएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 7.5 meter, ठीक है। ये 7.5 meter आया, तो अब देखिए कि ये तो 3 meter का ही है। अब यहाँ से जब गया नीचे की तरफ तो क्या होगा, तो ये तो 3 meter तक जहाँ तक रोक पाएगा, मतलब इस मैक्सिमम कितना एनर्जी अलाउ कर रहा है, कि अगर इस तरह का रफ सरफेस है तो 7.5 meter तक जाएगा, लेकिन 3 meter तक ही है। तो वही जो मैं कह रहा था कि जब यहाँ से आया होगा ये, तो इसके पास एनर्जी तो ज़्यादा होगा, तो फिर ये इधर की तरफ घूम गया होगा, तो सम ऑफ द, मतलब उस हाइट पे तो जाएगा नहीं, उस हाइट से तो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का लाइन एक देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन है ऐसा, तो लेकिन इस बार क्या हुआ होगा कि ये जो सेम हाइट पर नहीं जाएगा, कुछ यहाँ पर आया होगा, फिर नीचे की तरफ गया, तो इतना उसके पास एनर्जी है कि वो ट्रेस बैक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना तक अलाउ कर सकता है, 7.5 meter, उसके पास इतना एनर्जी है, और ये वाला सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शन तो कोई खा नहीं रहा होगा, मतलब कि मैक्सिमम कितना खा सकता है फ्रिक्शन इस 3 meter तक के हाइट का, और इधर तो है नहीं, तो कोई इसका हीट, मतलब कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो फिर वापस एक बार चक्कर लगाएगा। लेकिन इस बार जो जाएगा, तो अब इसका दूसरा वाला इससे थोड़ा सा कम आएगा, इस बार ब्लॉक कहीं यहाँ पर होगा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। तो ये वापस, मतलब वो उस साइड से ना जाकर फिर वापस जाएगा, तो 3 गया फिर 3 गया, जब फिर वापस आएगा तो फिर फाइनली कहीं यहाँ पर स्टॉप करेगा, कितने पर, 1.5 meter पे। तो इसका कहने का क्या मतलब था कि 7.5 है, तो 3 meter प्लस 3 meter, इसमें पहले ऐसे 3 meter ख़त्म हुआ, फिर जब यहाँ से आया तो 3 meter ख़त्म हुआ, और फिर फाइनली जब आया तो 1.5 meter। तो ब्लॉक कहाँ पर रुकेगा, इस मिड पॉइंट पर एग्जैक्टली, ठीक है।
तो ये सब इज इक्वल टू 7.5। तो जो यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो इसका आंसर है एट मिड पॉइंट। तो उसमें आपको बहलाने के लिए या बहकाने के लिए, या आपको समझ ही रहे कि मिसलीड करने के लिए, उस ऑप्शन में 7.5 मीटर भी गिवन रहेगा। तो आपका कहेगा आंसर तो आ रहा 7.5 है, तो ट्रैक 3 मीटर का। तो इस तरह से और डिफरेंट डिफरेंट आंसर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर था। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्योंकि मतलब कि बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन को कैसे भी वो लोग पूछ सकते हैं, तो उसी के लिए इसको बताया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन वाले हैं। चलिए, स्प्रिंग वाले सारे हैं। तो आइए पहले आपको स्प्रिंग के बारे में कुछ ज्ञान दे देता हूँ, या पहले से बता ही रखा हुआ है कि क्या होता है कि अभी एक कुछ हमारा स्प्रिंग है और इसका इसमें एम लगा हुआ है, इस तरह का है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जब इसको स्ट्रेच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाता है ऐसा। तो ये कितना स्ट्रेच किया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस किया। तो इसका इनिशियल पोजीशन है, इसका फाइनल पोजीशन ये है, ठीक। तो अगर आप वर्क के बारे में अगर देखें भी, यहाँ से वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स ऐसा। तो एफ के जगह पर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा ही आपने फोर्स लगाए होंगे, तो यहाँ पर स्प्रिंग के चलते एक रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, जो हुक्स लॉ होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। मतलब जो भी आप फोर्स लगाएंगे हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। अगर इसको कंप्रेस भी करें ना, तभी वो बाहर की तरफ होगा। मतलब एक कुछ ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप स्प्रिंग है, आप घर में या आपके पेन में स्प्रिंग तो रहता ही है, जो टिप टॉप वाला है, कहीं सर यूज ही नहीं करता टिप टॉप वाला, तो इसलिए स्प्रिंग नहीं है। तो देखो, स्प्रिंग वहाँ से अगर आपको पेन वाला मिल सकता है, तो उसको आसानी से आप खींच सकते हो। दूसरा, अगर जो जिम में लोग जाते होंगे तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ भी स्प्रिंग लगे रहते, तो वहाँ पर खींचना पड़ता है, कुछ इस तरह वाला खींचने वाला होता है ना एक्सरसाइज, तो वो एक वहाँ का स्प्रिंग हो गया। बाइक्स में लगे रहते हैं, आप देखिए बाइक के दोनों छोर पे जो सॉकर्स में इस तरह का, तो वो एक अलग तरह का स्प्रिंग है। ऐसे ही जो व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक हैवी, उसमें भी स्प्रिंग लगे रहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह का जैसा स्प्रिंग, उतना हमें उतना फोर्स लगाने में लगेगा, मतलब उसको स्ट्रेच करने में उतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट इज वाई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वॉट एवर द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इट विल हैव द एलोंगेशन According to that stiffness of the string. So basically this thing is depend on the materialistic nature. So F is directly proportional to X. So here K is your spring constant, and spring constant is the materialistic nature. जैसा material होगा उसके हिसाब से depend करेगा, ठीक है। तो F is equal to, ये अगर आप force अगर इसमें आप लगाएंगे ऐसा, तो ये minus KX इस opposite direction में लगेगा, एक तो ये बात हुआ। फिर क्या होगा कि जैसे आप ठीक है, अगर आप फोर्स अगर इसमें ऐसा लगाते हैं, तो स्प्रिंग ऐसा इसमें होगा। दूसरा कि उसके चलते हमें वर्क डन ढूंढना है, और दूसरा कंडीशन भी आपको बता देता हूं बच्चों कि क्या होगा कि जब आप इसको कंप्रेस भी करोगे ना, यही बना देता हूं, जब आप इसको कंप्रेस भी करेंगे, जैसे मुझे वहीं पर बनाना चाहिए था F is equal to, तब आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे। अच्छा रुक जाओ, वहीं पे बना देता हूं।
ये ऐसा ऐसा m होगा। तो सपोज आपने x यहां से यहां तक देख लीजिए, या आप देखो यहां पे क्या करता हूं ना, इसको मैं ऐसा नोट कर देता हूं, इस तरह का। तो जो येलो वाला मार्क है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ पर यहां पर चुपचाप है। अगर इसको खींचे x से तो ऐसा हुआ, अगर इसको कंप्रेस किए तो x से अगर अंदर की तरफ यहां से x ए अंदर की तरफ ऐसा कंप्रेस हुआ, अगर इसको खींचे तो ऐसा होगा। तो ये तीन चीजें है, ठीक है। दिस इज द योर कंप्रेस्ड पोजीशन, दिस इज एलोंगेट पोजीशन, और दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम वर्क डन इसमें अगर देखें, और क्यों एफ डॉट डी एक्स हमें जरूरत पड़ा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो भी मैं बता रहा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स एक ऐसा फोर्स है बच्चों, वेरिएबल फोर्स है। अगर जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसके चलते क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो इसके चलते हमें वेरिएबल हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के पास जाना पड़ेगा, उसके हेल्प से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ का वैल्यू अगर देखिए यहाँ से माइनस के एक्स अगर लेते हैं इसका इंटू डी एक्स, और यहाँ से एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल ऐसा कर लें, तो यहाँ से वर्क माइनस के तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसके पावर में एक है, तो इसके पावर में एक और ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आप जब उसको करेंगे तो 1/2 के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा। और फिर उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका होगा एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, इस तरह का। तो जो वर्क डन आया बाय द स्प्रिंग के लिए, फॉर द स्प्रिंग के लिए, या स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन कितना होता है, इक्वल टू -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन यहां पर हूं, एक्स का वैल्यू सपोज 0 है इनिशियल वाला, और इसको फाइनल पर यहां पर लेकर जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों इस केस के लिए, डब्ल्यू का वैल्यू -1/2, क्योंकि एक्स फाइनल आपका कितना है एक्स, और एक्स इनिशियल कितना है 0। तो यहां से जब आप करेंगे तो एक्स 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो आप ये चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं निगेटिव वाला। तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा ड्यू टू स्प्रिंग के इस फोर्स के चलते, या जब आप खींच रहे होंगे तो निगेटिव यही हो रहा है कि आप अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आप अगेंस्ट के उसमें काम करते हैं तो, और एक कंजर्वेटिव नेचर का है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसका किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो हम वर्क डन यहां से हम जो निकाल रहे हैं इसका, एफ इज इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर, वो निगेटिव में है ये चीज, ठीक। तो इसका मतलब हम अगेंस्ट द काम कर रहे हैं। और आप इमेजिन भी करिएगा कि जब इसको आप ऐसे खींच रहे होंगे, इसको जब आप ऐसा खींच रहे होंगे तो आपको मेहनत पड़ रहा है ना, तो इसीलिए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। या दूसरा कंडीशन, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे होंगे, ये वाला कंडीशन, तब भी उसका इनिशियल देखिए एक्स 0 है और फाइनल कितना है, अंदर की तरफ जा रहे एक्स। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसका माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ तो अंदर की तरफ जाएगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स निगेटिव हो रहा है, एक्स को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर एक्स फाइनल का या इनिशियल फाइनल एक्स स्क्वायर है ना, निगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसके लिए भी अगर वर्क डन आप निकालेंगे इस पार्ट के लिए भी, तो देखिए वहां पर जो डिराइव्ड जो आया हुआ है, तो -1/2 के तो के ही रह गया, एक्स फाइनल का वैल्यू कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, और एक्स इनिशियल कितना है 0, तो कितना आया -1/2 के एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो समझ में आया आपको कि आइदर अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, -1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर इस इनिशियल पोजीशन से अगर आप कंप्रेस कर रहे होंगे तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, 1/-1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कि इसी इक्वेशन को, मतलब ऐसे पूछ लें कि अगर वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ऑलरेडी या ऑलरेडी स्ट्रेच है इस पोजीशन से, और इसको छोड़ दें तो यहां तक आने में कितना लगेगा, आपने तो छोड़ दिया, आपने तो कोई वर्क किया नहीं, वर्क तो कर रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, तो वो कितना करेगा। तो अभी एक्स फाइनल में कितना है, वो एक्स है, और एक्स इनिशियल कितना है, ठीक है, मतलब कि जब दूसरा कंडीशन इसका, मैं वही बोल रहा था कि अगर इसको अगर खींचे हुए हैं और छोड़ दें तो आपने तो कोई वर्क किया नहीं, अपने आप को चला गया,
तो अगेंस्ट द काम होगा नहीं, तो सेम अमाउंट में जो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया होगा, तो जब आप स्ट्रेच पोजीशन से, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पर जब आएगा, तो उस समय उतना वर्क कितना करेगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं आपको, यहां से 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस के एक्स इनिशियल स्क्वायर विथ निगेटिव, तो 1/2 विथ निगेटिव के, तो के रहेगा, एक्स फाइनल कितना है, जीरो, मतलब स्ट्रेच्ड पोजीशन पे है तो, और वापस इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस बार क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 1/2 के एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव है ये। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इनिशियल से या स्ट्रेच पोजीशन से अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो पॉजिटिव वर्क होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा कि अगर कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, ये फर्स्ट पोजीशन यहां से, इस कंप्रेस्ड पोजीशन से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पे कितना होगा, अगेन आप फिर से आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अगर कंप्रेस्ड ये स्ट्रेच्ड पोजीशन है, स्ट्रेच पोजीशन है, और दूसरा ये कंप्रेस्ड पोजीशन अगर होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 के एक्स फाइनल, एक्स फाइनल का वैल्यू जीरो, और फिर यहां से माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप एक चीज और सोच सकते हैं कि अगर स्ट्रेच से ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, यहां से अगर यहां पर है और फिर यहां पर अगर आना है तो कितना होगा, मतलब जब कंप्रेस्ड हो रहा होगा तब कितना होगा, तो यहां भी एक्स है और जब कंप्रेस होगा तो एक्स होगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा, जीरो, एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब स्ट्रेच से कंप्रेस्ड हो या कंप्रेस से स्ट्रेच हो तो उसमें कितना वर्क होगा, शून्य, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, जैसे हमने इसको छोड़ा तो अपने आप कंप्रेस, जितने से छोड़ा उतने से कंप्रेस्ड हो जाएगा, और पहले से कंप्रेस्ड है तो फिर से स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसमें उस केस में दोनों में जीरो होगा। तो आज के लेक्चर में बस बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग फ्रिक्शनल ये जो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर और सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।